जी आयनू जी, रोड टू पंजाब के एक और एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह पे हैं। हम हैं गुरुद्वारा टहलन साहिब में। गुरुद्वारा टहलन साहिब की एक खासियत है, यहाँ पर जब भी आप एंटर करेंगे तो आपको काफी दुकानें दिख जाएंगी, एरोप्लेन्स बेच रहे हैं। उसका एक रीजन है, इस गुरुद्वारे को वीजा वाला गुरुद्वारा भी कहते हैं। कहते हैं अगर आपको कहीं बाहर जाना है, वीजा मिलने में दिक्कत हो रही है, आपको पीआर चाहिए वो मिलने में दिक्कत हो रही है, आप यहाँ पे आइए, एक एरोप्लेन यहाँ पे दान कीजिए, अपने सच्चे मन से अरदास कीजिए और शायद आप बड़ी जल्दी अपने उस कंट्री में जा पाएंगे जहाँ पर जाना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे कहते हैं हर वीजा की, हर पीआर की जो दुआ है वो कबूल होती है। मैंने भी किया है। और एक चीज़ होता, हमने यही पूछा कि एरोप्लेन से जो आते हैं वो वापस कहाँ पे जाते हैं, बिकॉज आवर कंसर्न वॉज यू नो कहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। बट जैसे कि यहाँ पे संडे को बहुत रश होता है और संडे को जो भी अपना बच्चे जैसे आते हैं वो बच्चों को दे देते हैं एंड बच्चे अपने घर में खेलने के लिए उसको ले जाते हैं। सो अगर आप कभी जलंधर से, ये लगभग अपना आधे घंटे की दूरी पे है, जलंधर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है पर आधे घंटे की दूरी है, टहलन गांव में टहलन गुरुद्वारा साहिब है। अगर आप कभी यहाँ पर चक्कर लगे या आप कभी अगर वीज़ा या पीआर मिलने में कोई दिक्कत हो रही हो, यहाँ पर अगर दर्शन दीजिए, एक एरोप्लेन यहाँ पे चलाइए, क्या पता आप भी अपनी मनपसंद कंट्री जहाँ जाना चाहे वहाँ पे आसानी से जा पाए। और मिलते हैं आपको अगले एपिसोड पे रोड टू पंजाब के। सी यू जी, बाय बाय।